पिछले महीने जब चाइना गया था तब चीन के कई वरिष्ठ राजपुरुषों के साथ मेरा मिलना हुआ था, वहाँ के सरकार के भी वरिष्ठ लोगों से मिलना हुआ था। तब मैंने गुजरात के जो 22 लोग चीन की जेल में हैं उनके विषय में कुछ सवाल उठाए थे और मैंने उस समय आग्रह किया था कि हमारी अपेक्षा ये है कि कम से कम ट्रायल को एक्सपेडाइट किया जाए, जल्दी से जजमेंट मिले और ये हमारे लड़के घर वापस आए, इसकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उस समय मुझे प्रॉमिस किया गया था कि हम इसको गंभीरता से लेंगे और मुझे विश्वास दिलाया गया था कि बहुत जल्द ही आपको हम अच्छी खबर सुनाएंगे। और मैंने देखा कि मैं यहाँ जब वापस आया तो पिछले 2 साल से लड़के जेल में थे, कभी भी हिंदुस्तान के एम्बेसडर को उनको मिलने नहीं दिया गया था, लेकिन मेरी इस मुलाकात के बाद 3रे दिन भारत के एम्बेसडर को, जो वहाँ चीन में हमारे राजदूत हैं, उनको उन्होंने जेल जाने के लिए व्यवस्था की, वो सभी नौजवानों से मिले, उनके सुख दुख की चिंता की और पिछले 15 दिन में लगातार संपर्क में था और आज उन्होंने उसको एक्सपेडाइट करते कोर्ट का जजमेंट भी आ गया। काफ़ी नौजवान जेल से मुक्त हो गए हैं, जिनको कुछ न कुछ सजा हुई है उनका भी शायद कार्यकाल कुछ को तो पूरा हो जाएगा, तो उनके परिवारजनों को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और मैं चीन सरकार का इसलिए आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे जो वादा किया था उस वादे को उन्होंने निभाया और ये बहुत कम समय में चीज़ों को एक्सपेडाइट करके उन्होंने हमारी बात का सम्मान रखा, इज्जत रखी, मैं उनका आभारी हूँ।